संसार सागर निमज्जित शेष जंतु पुताय मानमभिनम्य जिनेश्वरस्य यत गर्ज दूर्जित घनौग मद प्रभीम भ्रशत्तडिन मुसल मांसल घोर धारम दितेन मोक्त मथ दुस्तर वारी दध्रे तेनेव तस्य जिन दुस्तर वारी कृत्यम ध्वस्तोर्द केश विकृता कृतिमर्ते मुंडप प्रलंब भ्रत्भयद वक्त्र विनिर्यत अग्निः प्रतब्रजा प्रतिभवन्तम पीरितो यः सुस्याभवत् प्रतिभवं भव दुख हेतुः। इस 32वें काव्य में बताया गया था कि जो गरज रहे हैं बलिष्ठ मेघों का समूह और जिसमें से बिजली गिर रही है, ऐसे मूसल के समान मूसलाधार मोटी मोटी धारा जो अत्यंत भयंकर है, ऐसे जल को उस कमठ ने आपके ऊपर बरसाया था और उस जल से आपका तो कुछ नहीं हुआ, उस कमठ ने अपने लिए ही तीक्ष्ण तलवार का काम किया, अर्थात ऐसे कर्मों का बंद किया जो तलवार के समान दुखदायी थे। फिर इसके बाद में उस असुर के द्वारा मुंडे हुए तथा विकृत आकृति वाले नर कपालों की माला को धारण करने वाला और जिसके भयंकर मुख से अग्नि निकल रही है, ऐसा जो पिशाचों का समूह आपके प्रति प्रेरित किया था, दौड़ाया था, उस असुर को प्रत्येक भाव में संसार के दुख दुखों का कारण उसने अपने लिए ही बांध लिया। अब इसमें एक अगला काव्य जो आ रहा है वो बहुत ही अच्छा अपने लिए प्रेरणा देने वाला काव्य अब इसके बाद में आ रहा है। धन्यास्त एव भुवनाधिप त्रिसंध्य माराधयन्ति विधिवत् विधुतान्य कृत्या भक्त्योल्लसत् पुलक पक्षमल देह देशा पादद्वयं तव विभो भुवि जन्म भाज। इस काव्य में आचार्य महाराज लोगों के लिए तो कहा जाता है कि अपने अपने भवन के राजा होते हैं, लेकिन भगवान तीनों लोकों के राजा होते हैं। तो भुवनादिप जन्म भाजा यानी जन्म को जो प्राप्त करते हैं सब प्राणी, सारे प्राणियों को जन्म को प्राप्त करने वालों को प्राणी कहा जाता है। विधुत अन्य कृत्या जिन्होंने अन्य कामों को छोड़ दिया है, भक्त्या उल्लसत पुलक पक्षमल देह देशा, भक्ति से जिनके पूरे शरीर में रोमांच उत्पन्न हो गया है और विधिवत जैसी विधि बताई गई है उस प्रकार से त्रिसंध्यम तीनों संध्या काल में तव पादद्वयम आराधयन्ति आपके दोनों चरण कमल की जो आराधना करते हैं। विभो भुवि तेव धन्या इस संसार में वे ही धन्य है। एक होता है कृत, कृत यानी स्वयं करना, एक होता है कारित यानी दूसरों से कराना और एक होता है अनुमोदना। अपने बोला जाता है कृत कारित अनुमोदना, तो हम स्वयं अच्छे कार्य करें दूसरों से कराएं
और जहां पर भी अच्छे कार्य हो रहे हैं उन सबकी अनुमोदना करें। इसमें आचार्य महाराज उन सबकी अनुमोदना कर रहे हैं जो तीनों संध्या काल में अपने अपने कार्यों को छोड़ करके और भगवान की आराधना करते हैं, यानी जितने भी मुनिराज समय करते हैं सब अपने कार्यों को छोड़ करके समय करते हैं, और वृत्ति भी जो रहते हैं वो भी सब अपने कार्यों को छोड़ करके समय करते हैं। तो एक साथ में इस काव्य की रचना करके उन्होंने जितने भी संसार में समय करने वाले हैं उन सबकी अनुमोदना कर ली। ऐसे ही हम भी अनुमोदना के इसमें कुछ नहीं लगता, कहते हैं ना हर लगे ना फिटकरी और फिर भी रंग चोखा आए, ऐसा काम है अनुमोदना का, अच्छे कामों की अनुमोदना करना। अच्छे काम जहां भी हो रहे हैं उनके बारे में हमेशा मन में कि अच्छा है अच्छा है ऐसे भाव होना। आप मंदिर में आते हैं, मंदिर में प्रवेश करने के पहले या घर में ही स्नान करते समय आते समय तैयार होते समय कि आज का दिन बड़ा धन्य है कि मैं मंदिर के जिनाले में जा रहा हूं, जिनाले में दर्शन करने जा रहा हूं, पूजन करने जा रहा हूं, आराधना करने जा रहा हूं। जितने भी लोक में लोग भगवान की आराधना करने अपने अपने कार्यों को छोड़ करके जा रहे हैं वे सभी धन्य हैं, धन्य हैं, ऐसे भाव। क्योंकि इस समय में जब आप मंदिर आ रहे हैं बहुत सारे लोग होंगे कि सो रहे होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बीमार होंगे जिनको कि आने की वो नहीं है, और ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनके घर में सूतक पातक होगा तो नहीं आ सकते, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके घर में शाम को खाने के लिए भोजन नहीं है तो उनको जो है कमाई के लिए ही जाना पड़ता है, वो जिनाले के द्वार पर नहीं आ पाते। तो उस समय में ऐसे भाव होना चाहिए। इसी प्रकार से सामयिक के समय में कुछ लोग ऐसे होंगे सुबह भी माला फेरते होंगे शाम को भी माला फेरते होंगे, उस समय माला फेरते समय में ऐसे भाव आ जाए कि इस समय में सारे मुनिराज माला फेर रहे होंगे, इस समय में आचार्य श्री भी ध्यान में मग्न होंगे, ऐसा अपने भावों के माध्यम से अपन सबकी अनुमोदना कर सकते हैं। इसी प्रकार से भोजन करते समय, भोजन के पहले भोजन की थाली लगाते समय, उस समय में कि जितने भी त्यागी वृत्ति हैं, जितने भी मुनिराज हैं, आरिकाएं हैं, एलक छुल्लक है, सबके आहार निरंतराय हो जाए, ऐसे भावों को करने में अपन अनुमोदना का पुण्य बिना कुछ किए हुए भी अर्जन कर सकते। और इसमें क्या कहा कि भक्ति से पूरे शरीर में रोमांच उत्पन्न हो रहे हो, ऐसी स्थिति एक जगह थी जहां पर अक्सर दंगे होते थे, और दंगे होते हैं तो क्या होता है कर्फ्यू लग जाता है कि नहीं, कर्फ्यू लग जाता है। अब कर्फ्यू लग जाता है तो फिर क्या होता है व्यापार सारा बंद, अब क्या करें कैसे समय निकालें, जैसे लॉकडाउन था या आपकी दुकान खोल नहीं सकते, अब क्या करोगे आप कैसे समय निकलेगा। तो जैन लोग क्या करते थे अपनी छत पर बैठ करके स्वाध्याय करते थे, और छत से छत आपस में जुड़ी रहती है, अजैन भी होते तो छत पास पास में एक ही लाइन में है तो छत जुड़ी रहती है। तो वहां पर एक अजैन लोग कहते थे यार ये जैन लोग बड़े अच्छे, इन लोगों का देखो इतना अच्छा समय निकल जाता है, अपन लोग तो समय नहीं निकाल पाते हैं। एक बार बचपन में भी एक महिला दूसरी महिला से, दोनों जैन नहीं थी, एक दूसरे से कह रही थी कि जैन महिलाएं बहुत अच्छी हैं, जैन लोग बहुत अच्छे हैं, तो दूसरी जल करके बोल रही थी काय के अच्छे हैं। तो उसने कहा कि देखो ये लोग जो है शाम को भोजन बनाते हैं, तो शाम को भोजन बनाते हैं अपन लोग रात में बनाते हैं, उस समय लाइट की कटौती बहुत होती थी, तो अपन जब भोजन बनाते तो लाइट चली थी परेशान होते हैं, और उस समय में नया नया टीवी भी आया था और टीवी का समय भी शाम को ही चालू होता था, तो कह ले अपन उस समय में भोजन बनाते रहते हैं, ये लोग सब लोग टीवी देख लेते हैं, और ये लोग बच्चे खेल करके आते हैं, इनको खिला करके पढ़ा भी लेते हैं, मंदिर भी चले जाते हैं, हर काम में इनका अच्छा है। तो इस प्रकार से मतलब वो वहां पर अनुमोदना कर रही थी जैन लोगों की, तो ऐसे ही वो वहां पर वो व्यक्ति कि ये लोगों का समय अच्छा निकल जाता है। एक दिन उसने सोचा कि छत पार करके अपन जा करके और बैठ जाते हैं, तो स्वाध्याय में वहां पर आ गया, और स्वाध्याय में भी कुछ प्रसंग ऐसा चल रहा था जो बड़ा रोचक था। तो रोचक प्रसंग में उसने वहां पर चल रहा था कि जब व्यक्ति का मरण हो जाता है तो अपने को यहां पता ही नहीं पड़ता है कि मर गया है, वो जाकर के वहां पर उत्पन्न हो जाता है। नहीं तो आप लोग यहां पर जहां पर जो जिनके बीच में रहते हैं वो लोग कहते हैं कि आत्मा भटकती रहती है, ऐसा बहुत सी बातें चलती हैं, लेकिन अपनी जो जिनवाणी में लिखा हुआ है, जिन्हें भगवान की वाणी है, सर्वज्ञ की वाणी जो सब कुछ जानते हैं, अपने को इस पर ही विश्वास करना है। लोगों की आपस की बातों में जो करते रहते हैं उन पर 1% विश्वास नहीं करना है अपने को, अपने को उनकी धारणा भी नहीं बनाना है, उनसे चर्चा हो तो उस समय में भले ही वो चर्चा करते रहे अपने को तो अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन कब रखेंगे जब अपन स्वाध्याय करेंगे। तो उसने मैं बताया कि जैसे कोई जीव यहां पर है उसको यहां उत्पन्न होना है, तो क्या होता है कि जीव जो है
टेढ़ा नहीं चलता, वो हमेशा जैसे ग्राफ पेपर होता है ना उसमें सीधी लाइन और खड़ी लाइन रहती है, तो ऐसा ही जीव यहां से वहां जाना है तो पहले यहां जाएगा फिर वहां मुड़ेगा, तो मोड़ा लेता है। तो यदि मोड़ा लेता है तो उसको दो समय लगते हैं, यदि सीधा जाता है तो एक समय में पहुंच जाता है। उस समय में उसको लगा कि ये तो बहुत साइंस जैसा विज्ञान बता रहे हैं यहां पर, तो उसने कुछ और प्रश्न किए, और प्रश्न करने के बाद में उसकी इतनी रुचि हुई कि उसने लगा कि ये धर्म सच्चा है, और उसके मन में ऐसा हो गया, उसने कहा क्या हम जैन धर्म का पालन कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा आप तो बहुत अच्छे से पालन कर सकते हो, क्योंकि क्या है कि अग्रवाल समाज जो होती है उसमें कुछ लोग वैष्णव धर्म के पालन करने वाले होते हैं, कुछ जैन भी पालन करने होते हैं, और आपस में उनका रोटी बेटी का व्यापार भी चलता रहता है। तो कईयों कई के घरों में जो बहुएं जो है जैन कुल की रहती हैं या वैष्णव कुल की भी आ जाती हैं, तो तुम्हें तो पालन करने में कोई दिक्कत नहीं है, बाकी लोगों को कुछ अंतर हो सकता है। और उसने उस बात को लेकर के वहां पर जैन धर्म स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे सुनते सुनते उसने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, अभिषेक करने लगा, पूजन सब चालू हो गया। उसका एक छोटा सा बच्चा था, वो बच्चा 4-5 साल का था। अब बच्चों की जिद होती है पापा जो कर रहे हैं वो हमें भी करना है, तो अभिषेक के लिए वो बोलता था कि हमको अभिषेक करना है। तो उन्होंने पूछा कि ये कब कर सकता है अभिषेक, तो उन्होंने कहा कि जिनागा में बताया है कि 8 वर्ष का जब तक नहीं हो जाता तब तक वो अभिषेक नहीं कर सकता। तो वो कहने लगा कि पापा मैं कब करूंगा, तो उनके पापा ने सोचा कि अभी 4 वर्ष में इतना है, 8 वर्ष में कितना होगा, ऐसे अंदाज से उसको एक लाइन खींच दी वहां पर दीवार पर कि जब तुम इतने बड़े हो जाओगे तुम भगवान का अभिषेक कर सकते हो। और उस समय में वो रोज स्कूल से आए और कुछ काम नहीं, सबसे पहले उसके नीचे जाके देखे मैं कब इतना बड़ा होऊंगा, कब इतना बड़ा होऊंगा, यानी उसकी भावनाएं कितनी उसके लिए जुड़ गई। और जब वो 8 साल का हुआ तब उस समय में गाजे बाजे के साथ में उसको मंदिर लेकर के गए। अभी कुछ दिनों पहले व्हाट्सएप में एक जगह पे पुणे में कोई हुआ था ऐसा, वहां पर उन्होंने अच्छा बिल्कुल डीजे के साथ में घोड़े पर बिठा करके उस बच्चे को ले गए मंदिर में, क्योंकि वो पहली बार अभिषेक करने जा रहा है, उसका बहुत बड़ा दिन है, अपन लोग समझते नहीं है उसको, अपने अभी जहां कहीं भी हो ऐसे परिवार में रिश्तेदार में तो अपने को प्रेरित करना चाहिए कि उस समय में बड़ा उन्होंने आयोजन किया, पार्टी वगैरह सब रखी, सारे दोस्त वहां पर नृत्य कर रहे थे उसको ले जाते समय में। तो ऐसे भावों के साथ में उसको लेकर के गए और वहां पर शुद्ध वस्त्र पहना करके जब भगवान का उसने अभिषेक किया, तो अभिषेक करते समय में उस बच्चे ने जैसे ही भगवान को छुआ उसके सारे शरीर में रोमांच खड़े हो गए, क्योंकि भावनाएं कितनी पवित्र बढ़ रही थी, कितने वर्षों से बढ़ रही थी। तो ऐसे ही भावनाओं को यहां पर कहा गया है कि भक्ति से जिसके पूरे शरीर में पुलक उत्पन्न हो गए, यानी पूरे रोमांच से जिसका शरीर का प्रत्येक अवयव व्याप्त हो चुका है, ऐसे जो भगवान की आराधना करते हैं वे ही धन्य है। अब यहां पर हम अपने जीवन में अच्छी अच्छी चीजों को आपस में जब किसी को सुनाते हैं, यदि कोई अच्छी चीज सुनाते हैं तो उसको सुनकर के आपको हर्ष होता है कि नहीं होता है, तो उससे क्या होता है, आपके मन में भी पवित्रता आई, हमें सुनाते समय हमें भी पवित्रता आई, दोनों को पुण्य का वर्धन हुआ, दोनों को पुण्य का बंधन हुआ, पुण्य का आश्रय हुआ। और यदि अक्सर हम किसी की बुराई सुनाए आपके लिए तो उस समय सुनते से आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, सुनाते समय हमें भी लगे कोई सुनना ले वो, तो उस समय में केवल पाप का बंध होता है। लेकिन होता अक्सर ऐसा है कि हमको निंदा में बहुत आनंद आता है, निंदा पुराण खुल जाए तो लोगों को रात रात भर नींद नहीं आती, आराम से जगते जगते समय निकाल सकते हैं, लेकिन उससे अपना अहित होगा, उससे कभी भी अपना भला होने वाला नहीं। भला किससे होगा, परोपकार की बातें उसमें अनुमोदना करने से। हम आपको एक उदाहरण सुनाए, एक जगह पर दक्षिण में एक स्ट्रीट लाइट, जैसे आपका छोटा सा गांव है, पूरे गांव में जो रोड पर लाइट चलती है उसका कहीं पर एक जगह पर उसका स्विच लगा हुआ था, और हुआ ऐसा कि उस स्विच में ही एक पक्षी ने अंडे दे दिए और किसी बच्चे ने देख लिया। अब उसने सोचा कि यदि इस स्विच को चालू करेंगे तो अंडे सारे टूट जाएंगे, और अंडे टूट जाएंगे तो सारे बच्चे मैंने मर गए वो सारे। तो उसने कहा कि अपने को जो है इसमें जब तक बच्चे निकल नहीं जाते, उड़ नहीं जाते, तब तक अपन लाइट नहीं जलाएंगे। सोच सकते हो उस गांव में कितने दिन तक लाइट नहीं जली, 35 दिन तक उस गांव में लाइट नहीं जली, जबकि जैन धर्म से कोई संबंध नहीं उनका, लेकिन वहां पर भी करुणा के भाव उनके मन में थे। उसने सबको मना लिया, कुछ बच्चों का ग्रुप मिल गया, बड़े बड़े लोग, कई लोग करे क्या ऐसे कि पूरे दिन पूरे गांव में अंधेरा रहेगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पढ़ नहीं पाएंगे ये नहीं वो, निकल नहीं पाएंगे, दुर्घटनाएं घटेंगी, लेकिन सबको मना लिया। 35 दिन तक वहां पर लाइट नहीं जली, केवल उन पक्षियों की रक्षा के लिए। अभी सिलवानी में वहां पर एक बंदरिया किसी रास्ते पर घायल मिली, तो वो जैन बंधु उनको उठा करके ले गए हॉस्पिटल, डॉक्टर के पास ले गए, इंजेक्शन लगाया, इंजेक्शन लगाने के बाद में भी वो होश में नहीं आ रही थी। उसके बाद में उसका
यानी उपचार करने की कोशिश करते रहे। फिर बाद में उनको लगा कि इसको अपन बड़े हॉस्पिटल इन्हें भोपाल ले जाए, कहां तो लोग अपने माता पिता को नहीं ले जा पाते, और वहां पर वो बंदरिया को लेकर के भोपाल गया। भोपाल में भी वहां पर एक्सरे करवाया, वहां पर भी दवाई आदि इंजेक्शन आदि लगवाए, लेकिन वहां पर उन लोगों ने कुछ बोला नहीं, लेकर के आ गए और वो गोद में ही जो है मरण को आने के बाद में प्राप्त हो गई। लेकिन फिर भी उन्होंने अपना पूरा उसमें पुरुषार्थ उसको बचाने का वहां पर किया। तो ये कहलाती है परोपकार की। अब ऐसी हम यहां पर जो हम ये बात यही कह रहे हैं कि अपन जब ऐसी चर्चा करते हैं तो उसको सुनकर के सबके लिए हर्ष की उपलब्धि होती है। अपने लिए हमेशा अच्छी बातें, ऐसी परोपकार की बातें एक दूसरे के साथ में शेयर करना चाहिए, जिसके माध्यम से हम सब लोगों के भाव उज्जवल हो। एक और सुनाए हम आपके लिए। एक जगह पर तालाब सूखने वाला था, और तालाब जब सूखता है तो उसमें बहुत सारी मछलियां कछुए आदि, और आखिरी में सारे सूखी रहती है तो खूब पक्षी आदि उनको खा करके नष्ट कर देते हैं। एक लड़के के मन में आया कि इसमें दुर्लभ जो है मछलियां कछुए हैं, इनकी संरक्षण करना चाहिए। तो उसने वहां पर कुछ लोगों से मदद मांगी, कुछ मछुआरों से भी मदद मांगी, वो भी तैयार हो गए। और उस समय में उसने 1000 से ज्यादा मछलियों को बॉक्स में रख करके उनको प्रिजर्व किया, कछुओं को, और उनको कब तक रखा, जब तक कि पुनः बरसात नहीं हो गई। क्योंकि क्या होता है कई बार कि जिस जगह पर रहने के वो आदी हैं, यदि दूसरी जगह छोड़ा जाए, जिस पानी में वो रहे हैं यदि कोई दूसरे पानी में छोड़ा जाए, वो खारा हो, तो वो वहां पर जी नहीं पाते, कई बार मर जाते। तो इस प्रकार से उनका संरक्षण किया। कई कई बार ऐसा हुआ है, लोगों ने पानी की जो बिलछानी है दूसरे जगह पर डाल दी तो वहां पर जो है जीवों का मरण हो गया। तो ये वहां पर दृष्टि से उसने वहां पर कार्य किया, कितना परोपकार का कार्य। ऐसा ही हम एक उदाहरण आपको और सुनाए। चेन्नई में एक मां अपने लड़की के साथ में एडमिशन कराने के लिए आई थी, पहली बार बस में बैठ करके। इतनी गरीब थी वो, एक गांव से चेन्नई में पहली बार आई थी वो बस में बैठ करके। और उधर पूछा भैया कि ये पता बता दो, अन्ना यूनिवर्सिटी। तो ऐसी बात है, वहां पर अन्ना यूनिवर्सिटी तमिलनाडु में दो जगह है, एक कोयम्बटूर में और एक चेन्नई में, एक ही है, नाम दोनों का अन्ना यूनिवर्सिटी है। उसने देखा तो कहा, अरे यहां से तो बहुत दूर है, 500 किलोमीटर है। तो कह नहीं, अरे भगवान अब क्या होगा। तो कह, मां घबराओ मत। और उसने अपना व्हाट्सएप ग्रुप में लोगों को इन्फॉर्म कर दिया कि कोई परेशानी है, सब लोग आ जाओ। तो सारे लोग, उनके जो सुबह घूमने वाले लोगों का ग्रुप था, वो लोग आ गए। और उसमें पता पड़ा उसमें कि एक जो मेंबर था वो यहां की यूनिवर्सिटी में काम करता है, और यूनिवर्सिटी में आपस में संबंध होते रहते हैं, कोई वहां से आ रहा है, कोई यहां से जा रहा है, ऐसे करके। तो उसने कहा कि वहां की क्लर्क को मैं जानता हूं, और उसने फोन करके कि भैया सुबह 8 बजे का एडमिशन का टाइम था इसका, आप हमें समय दे दो, 12 बजे इसको एडमिशन का टाइम दे दो। और पता किया उन्होंने, तो एक व्यक्ति ने वहां पर पता किया कि अभी जो है 9 बजे यहां से फ्लाइट है, और वो कोयम्बटूर पहुंचेगी, और 12 बजे ये वहां पर पहुंच जाएगी। तो एक व्यक्ति ने यहां से टैक्सी एयरपोर्ट तक, एक ने टिकट बुक किया एयरपोर्ट से, मतलब हवाई जहाज का टिकट कोयम्बटूर का, और कोयम्बटूर के एयरपोर्ट से कॉलेज तक की टैक्सी एक ने बुक की। और इसके बाद में यहीं पर रुके हुए थे, तो यहीं पर उनके नाश्ता की व्यवस्था कर दी कि घबराओ नहीं, सब अच्छा हो जाएगा। और 12 बजे वहां से वहां के क्लर्क का फोन इसके लड़के पास में आ गया कि उस लड़की का एडमिशन हो गया। जैसे ही उसके पास में आया, उसने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कि जो असंभव कार्य था, हम सब लोगों के प्रयास से वो संभव हो गया, और सब लोगों ने खुशी मनाई। और खर्च जो है मामूली, बहुत सारा बड़ा ग्रुप था तो मामूली खर्च में उनका टिकट आदि सब कुछ कार्य वहां पर। तो ऐसी जब अपन चर्चा करते हैं तो उस समय में निर्मल परिणामों की होती कि नहीं होते। तो ये यहां पर कहा गया है कि अपने लिए ऐसे अच्छे अच्छे कार्यों की अनुमोदना हमेशा करते रहना चाहिए। तो यहां पर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि वे धन्य हैं जो तीनों संध्या काल में सारे कार्यों को छोड़कर के और सामायिक के लिए विधिवत जैसी बताई गई, और उसमें पूरे शरीर में रोमांच उत्पन्न हो रहा हो, इस प्रकार से भगवान आपके दोनों चरण कमल की जो स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, वे ही प्राणी धन्य है। इस प्रकार से इसमें अपन आराधना के गुणों, इसमें अनुमोदना के गुणों को समझ सकते हैं। अब इसके अपन अनुवाद को देख लेते हैं। रोमांच से प्रफुल्लित भक्ति से रंगा तन मन, आराध
साधना प्रभु की, करता जो छोड़ उलझन, है धन्य वही जग में, तीनों ही संध्या काला, कल्याण का है मंदिर, प्रभु गुण की है ये माला, ते स्तोत्र ये निराला, अगले काव्य में अस्मिन् अपार भव वारि निधौ मुनीश मने न मे श्रवण गोचर तंगतोसि अकर्णिते तु तव गोत्र पवित्र मंत्रे किंवा विपद विषधरी सविधन समेति। इस काव्य में मुनीश भगवान का संबोधन। मुनीश कौन कहलाते हैं? मुनियों के स्वामी को मुनीश कहा जाता है। वैसे आजकल भी अपन मुनी शब्द प्रयोग कर लेते हैं महाराजों के लिए, लेकिन यहां पर जो आगम में वर्णन किया है, चार प्रकार के मुनि होते हैं। एक होते हैं मुनि, ऋषि, यति, अनगार। चतुर्वेद संघ में ऐसे आते हैं। तो मुनि होते हैं प्रत्यक्ष ज्ञानी, यानी जिनके पास में अवधि ज्ञान, केवल ज्ञान होता है, मना परे ज्ञान होता है, वो मुनि कहलाते हैं। तो इस दृष्टि से देखें तो वर्तमान में कोई भी मुनि नहीं है। फिर ऋषि कौन होते हैं? रिद्धियों को धारण करने वाले ऋषि होते हैं। यति कौन होते हैं? अभी हमने बताया था उपशम श्रेणी, ऐसे ही उपशम श्रेणी, छपक श्रेणी पर जो चढ़ते हैं वो यति कहलाते हैं। और अनगार, जिनका घर नहीं है, घर का त्याग कर दिया है, वो अनगार कहलाते हैं। तो यहां पर भगवान का संबोधन है मुनीश। कह रहे हैं कि मन्ने, यानी मैं ऐसा समझता हूं कि अस्मिन अपार भव वारि निधो, ये समुद्र, भव समुद्र कैसा है? जिसका कोई पार नहीं, ओर छोर नहीं, यानी अनंत है। मैं कर्ण गोचरताम ना गता हसी, इस अपार संसार में मैं मानता हूं कि मैंने आपको कभी भी जो है कानों का विषय प्राप्त नहीं किया, आपके वचनों को नहीं सुना। और वो कैसे हैं? तब गोत्र पवित्र मंत्रे, आपके नाम रूपी मंत्र के आकर्णिते सती, यानी मैं सुना होता तो विपद विषधरी किंवा सविधम समेति, जो विपदा रूपी नागिन समीप में आई है, क्या वो आती? अर्थात नहीं। यहां पर आचार्य कुमुदचंद्र महाराज, जिन्होंने ये रचना की है, उनके सामने एक ऐसी स्थिति का निर्माण हुआ था कि राज्यसभा में उनको जैन धर्म का अतिशय दिखाने के लिए कहा गया था, और उस समय में राजा के साथ साथ में सारे दरबारी सारे विरोध में थे, और वहां पर उनके लिए जैन धर्म का अतिशय दिखाने की बात थी। फिर उन्होंने इस स्तोत्र की रचना के माध्यम से पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा को प्रकट किया था, ऐसा काव्य ख्याति है। तो ऐसी स्थिति वहां पर निर्मित हुई। अपन इसको अपने रूप में देखें तो ये कि आज तक हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, इस संसार से हमको मुक्ति नहीं मिली है, तो उसका कारण क्या है? कि आज तक हमने भगवान की वाणी को नहीं सुना। भगवान की वाणी को बड़ी प्रीति के साथ में जो सुनता है, उसके लिए एक पद्मनंदी पंचविंशति का नाम का एक ग्रंथ है, उसमें लिखा है कि जो बड़ी प्रीति के साथ में तत्प्रति प्रीति चित्तेन एन वार्तापि ही श्रुता निश्चितम सा भवेत भव्यो भावी निर्वाण भाजनम, जो जिनेन्द्र भगवान की वाणी को बड़ी विनय के साथ में श्रवण भी करता है, वो निकट भव्य होता है, भव्य होता है, मुक्ति को प्राप्त करने वाला होता है। और यदि हमने भगवान आपकी वाणी को सुना होता तो इस अपार संसार में हमको भटकना नहीं पड़ता, हम इस संसार से मुक्त अवश्य हो गए। भगवान की वाणी को सुनने में जो सुनते हैं वो क्या कहलाते हैं? श्रोता। क्या शब्द आता है? श्रोता। श्रोता शब्द में वहां पर एक उसी का श्रोता का अर्थ होता है सरोता, सरोता भी होता ना, एक श्रोता होता है, एक सोता होता है, एक सरोता होता है।
तो श्रोता यानी जो सुनता है, और श्रोता यानी जो सो रहा है। यहां पर अच्छी अच्छी लोरियां सी चल रही है तो उसको नींद आ जाती है, तो वो सोता होता है। और कुछ होते हैं सरोता। सरोता क्या होता है? कटकट करता रहता है। जैसे बीच में थे वो, तो वो जो है जो चल रहा है उसमें ही व्यवधान उत्पन्न करने लगते हैं, तो वो सरोता हो जाते हैं। तो इस प्रकार से भी होते हैं, और भी श्रोता कई प्रकार के होते हैं। आपने एक मूर्ति का दृष्टांत सुना होगा कि एक मूर्ति की कीमत बहुत कम है। उसकी कीमत कम क्यों है? क्योंकि इसकी परीक्षा में क्या किया कि एक धागा कान में डाला तो क्या हुआ, वो दूसरे कान से निकल गया, दूसरे कान से निकल गया, तो कहा इस मूर्ति की कीमत सबसे कम। दूसरी मूर्ति में धागा कान में डाला लेकिन मुख से निकल गया, तो उसने कहा कि इसकी उससे तो अच्छी कीमत है। क्योंकि जैसे आप यहां पर सुन रहे हैं और आप जाएं वहां पर और कोई पूछे कि महाराज ने क्या सुनाया है, तो तभी सुना पाएंगे जब आपने कुछ सुना होगा। तो कैच करने वाला भी जो है वो अच्छा है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि बाहर जाकर के कहते हैं कि अरे बड़े अच्छे प्रवचन हुए, बड़े अच्छे प्रवचन हुए, तो कोई पूछता है क्या बोला, वो तो महाराज जी जाने। ऐसी स्थिति अक्सर होती है, लेकिन ऐसा नहीं, अपने भी अच्छे से मनोयोग के साथ में सुनना चाहिए। और तीसरे कौन से तीसरी मूर्ति क्या थी कि उसमें धागा डाला, ना वो मुख से निकला ना कान से निकला, वो क्या हुआ, हृदय में समा गया। तो वो जो है सबसे अच्छा श्रोता माना जाता है। और भी प्रकार बताए। एक होते हैं पत्थर जैसे। पत्थर कैसा होता है? पानी की बरसात होती है, बिल्कुल भीग जाता है, ऐसा लगता है बिल्कुल गीला हो गया है, लेकिन अंदर उसके एक भी बूंद प्रवेश नहीं करती, थोड़ी सी हवा चलती है और वो सूख जाता है और पहले से ज्यादा साफ हो जाता है। दूसरे होते हैं मिट्टी जैसे। मिट्टी भी पानी गिरता है, गीली हो जाती है, अंदर तक गीली हो जाती है, लेकिन बीच में जब बरसात रुक जाती है तो वो मिट्टी पहले से कड़ी हो जाती है। उसमें भी वो जो है कुछ सीख लिया सुन लिया तो उसी में फिर मीन मेख निकालने लगते हैं। और तीसरे होते हैं रुई जैसे श्रोता। रुई जो है पानी को सोख करके अंदर रख लेती है, बाहर की हवा चलती रहे लेकिन अंदर उसकी नमी बनी रहती है, और जब तक पुनः बरसात हो जाती है तो फिर से वो पुनः गीली बनी रहती है। तो कई प्रकार के श्रोता होते हैं, तो अपने को किस प्रकार के श्रोता होना चाहिए ये अपने इसके माध्यम से समझ सकते हैं। एक आपने उदाहरण सुना होगा कि सुनने के माध्यम से उनके जीवन में परिवर्तन आया। एक चारित्र भूषण नाम के मुनिराज थे, मंदिर में देवागम स्तोत्र का पाठ कर रहे थे। देवागम स्तोत्र ये आचार्य समदबद्ध की रचना है, और तत्वार सूत का जो मंगलाचरण है उसके ही व्याख्यान में उन्होंने 115 गाथाओं में उसको विस्तारित किया है। तो वो पाठ कर रहे थे और वहां से एक विप्र महोदय निकल रहे थे, जो कभी भी जैन मंदिर में प्रवेश नहीं करते थे, बल्कि आपस में पहले धर्मों के बीच में इतना विद्वेष था कि ऐसे सूत्र मिलते हैं कि हस्तिना ताड़े मानोपी ना गच्छे जिन मंदिर, यानी हाथी यदि आ रहा हो वो उसके पैर भी पड़ जाए और बचने का रास्ता केवल जिन मंदिर का हो तो भी मत जाना, हाथी से मर जाओ लेकिन मंदिर में मत जाना। ऐसी लोगों में विद्वेष की भावनाओं के कारण में ऐसे भी सूत्र बन गए, वो भी कभी नहीं आते थे, लेकिन उस दिन आवाज सुन करके और संस्कृत के ज्ञाता थे तो उनको लगा कि ये जरूर कुछ रहस्य की बातें बता रहे हैं, जो आज तक हमारे बहुत सारी मन में शंका है कि उनका सबका निराकरण इसके माध्यम से हो रहा है। तो पहली बार वो जिन मंदिर में प्रवेश कर गए, और जिन मंदिर में पहुंचने के बाद में वहां पर महाराज के चरणों में उनकी मुद्रा को देख करके और वीतरागी मुनियों की मुद्रा को देख करके कौन जो इनके चरणों में नहीं झुकता, सबके मन में वहां पर श्रद्धा के भाव उत्पन्न हो ही जाते। तो उनके चरणों में नमन किया। नमन करने के बाद में जब तक महाराज का पाठ पूर्ण हो गया तो उनसे कहा कि आप इसके अर्थ को हमको समझाएं, तो महाराज ने बड़ी सहजता से वहां पर कह दिया कि मैं इसके अर्थ को नहीं जानता। कहा तो वो इंद्रभूति गौतम था जिसके पास में इंद्र रूप बदल करके आया था और उनसे कुछ प्रश्न किए थे, तो उन्होंने कहा उत्तर नहीं जानते थे फिर भी कहा कि मैं चलो तुम्हारे गुरु के पास बताऊंगा, लेकिन यहां पर उन्होंने सहजता से कह दिया कि मैं नहीं जानता। फिर उनका आप पाठ तो कर रहे थे, पाठ तो मुझे याद है, मैंने पाठ याद कर लिया है, तो क्या फिर से सुना सकते हैं? तो उन्होंने कहा हां सुना सकते हैं। उन्होंने फिर से उनको पाठ सुना दिया और उनकी सारी जो शंकाएं थी वो दूर हो गई
और उन्होंने उसी दिन से जो है जैन धर्म स्वीकार कर लिया। उसके बाद में उन्होंने दीक्षा ली। वो पात्र केसरी, आप जो चालीसा पढ़ते होंगे पार्श्वनाथ भगवान को, उसमें पात्र केसरी का भी नाम आता है। और वो पात्र केसरी, उन्होंने पात्र केसरी स्तोत्र की रचना भी की है। बा अच्छा जो है स्तोत्र है, उसका भी हमने अध्ययन किया, उसको भी यूट्यूब पे डाला है। तो इस प्रकार से श्रवण करने के माध्यम से उनके जीवन में कैसा परिवर्तन आया। एक दूसरी घटना आपने सुनी होगी कि एक चोर था और वो मरणासन्न था, यानी मरण के निकट था। तो उसने अपने लड़के को बुला करके कहा कि अपना पुश्तैनी धंधा छोड़ना ठीक नहीं है, तुम तो इसी धंधे को आगे चलाना। कहले बिल्कुल पिताजी, आप जैसा कहते हैं मैं पुश्तैनी धंधा ही अपने जीवन में पालन करूंगा। तो उन्होंने कहा बस केवल एक काम करना, तुम यदि इस पुश्तैनी धंधे को नहीं छोड़ना है तो बस महावीर से दूर रहना। महावीर भगवान के समय की बात है। कहले वो जो है तुमको ऐसी बातें सुनाएगा कि तुम उसके चक्कर में आकर के अपने सब धंधे को छोड़ करके चले जाओगे, बस उसकी बात मत सुनना। तो उस समय में उसने कहा कि ठीक है। अब एक बार ऐसा हुआ कि वो समोषण के पास से जा रहा था और वहां पर जैसे ही उसने वहां पर आवाज आ रही थी तो उसने अपने कान में उंगलियां डाल ली। इस पर हमें एक आचार्य की भी बात याद आ गई कि आचार्य जब कन्नड़ कर्नाटक से यहां पर आए थे अजमेर में उस समय में, तो उस समय में उनके लिए हिंदी नहीं आती थी, मराठी और कन्नड़ आती थी। और उस समय में आचार्य ज्ञान सागर जी के पास में कुछ बोलने के लिए उनको कहा जाता था। तो आचार्य ने यह कथा सुनाई थी और आचार्य ने जब कथा सुनाई थी तो उस समय में उन्होंने उंगली कान की जगह पर आंखों में डलवा दी थी, क्योंकि आचार्य कह रहे थे कि कान और आंख हम लोगों हमारे लिए दोनों ही समान थे, क्योंकि हमको हिंदी आती नहीं थी। तो कान और कान सीखना, आंख सीखना, ये सब शब्द सीखने के लिए तो हमने उंगलियों को कान की जगह आंख में डलवा दिया था। तो सारे लोग हंसने लगे थे, कहा तो उस समय में ऐसी हिंदी थी आचार्य की। और बाद में उन्होंने अपने कितने पुरुषार्थ के माध्यम से कि हिंदी का मुखमाटी जैसा महाकाव्य लिख दिया। तो उस समय में वो कान में उंगली डाल करके वहां से जा रहा था और उसके पैर में जो है कांटा लगा, तो अब उस समय में उसको अपनी उंगली निकालना पड़ी। और उंगली निकाली कांटे को निकालने के लिए, तब तक कानों में एक वाक्य जो उनका प्रवेश कर गया कि देवों की छाया नहीं पड़ती, उनकी पलके नहीं झपकती। अब इधर वो चोर था, बड़ा माहिर चोर था, और उसको पकड़ने के लिए राजा क्षणिक बड़े परेशान थे। उन्होंने अभय कुमार, उनके पुत्र जो मंत्री थे, उनके लिए सौंपा और उन्होंने एक बार उसके लिए बेहोश करके पकड़ लिया। और बेहोश करके उसको ऐसे जो है चीजों का पान कराया गया जिससे कि वो बेहोश था। और धीरे धीरे उसका जब नशा उतरने लगा, उस समय में स्वर्ग जैसी एक रचना उसके सामने प्रस्तुत की। सारे उसके देव देवियां सेवा कर रहे हैं और कह रहे हैं उससे कि आप बताइए कि आप किस कार्य के माध्यम से आप यहां पर उत्पन्न हुए हैं, आपने किन किन को लूटा था, किस किस घर में चोरी की थी, इसके कारण में आपको इस स्वर्ग में अवतार मिला है। तो वो सुनकर के कि ऐसी बात तो पहली बार सुनाई दे रही है कि जहां पर ये बोल रहे हैं ये कहते भैया कहां कहां पर दान दिया था, किस किस का परोपकार किया था, यहां तो उल्टी बात चल रही है। और उस समय में उसने कहा कि ये देव होते तो इनकी पलके नहीं झपकती, क्योंकि मैंने सुना है वहां पर, और इनकी परछाई नहीं पड़ती, यहां पर तो इनकी परछाई भी पड़ रही है और पलके भी झपक रही है, इसका मतलब है ये यहां पर नाटक है। तो उसने कह दिया कि मैं तो एक ग्राम का सेठ हूं और वहां पर मैंने खूब दान दिया, खूब दानशालाएं खुलवाई, गौशालाएं खुलवाई, इसके कारण मेरा स्वर में जन्म हुआ है। उसको वहां से छोड़ दिया। अब छोड़ने के बाद में उसने वहां पर विचार किया कि भगवान की एक बार एक वाक्य सुनने से मुझे उस संकट से, उस जेल से मुक्ति मिल गई, और उनकी सारी वाणी का यदि मैं पान करूंगा तो इस संसार से भी पार हो सकता हूं। तो उसने अपने धंधा छोड़ करके बाद में जाके दीक्षित होकर के अपने मुक्ति पथ पर वो लग गया। तो भगवान की वाणी कितनी कार्यकारी होती है, ये इस काव्य के माध्यम से हम लोगों के लिए प्रेरणा मिलती है। अब अपन इन दोनों काव्यों का एक बार पुनः उच्चारण कर लेते हैं, पहले इसका जो हिंदी पद्य अनुवाद उसके बाद में। हे मुनीश नाम मैंने, ना सुना है भव समुंदर, सुनता कहीं अगर मैं, ये पवित्र मंत्र हित कर, आ
अति समीप में क्या, विपदाए नागमाला, कल्याण का है मंदिर, प्रभु गुण की है ये माला, ये स्तोत्र ये निराला, सब दुख को हरने वाला, कल्याण का है मंदिर, प्रभु गुण की है ये माला, ये स्तोत्र ये निराला, धन्यास्तेव भुवनाधिप एत्र संध्या, माराधयन्ति विधिवत् विधुतान्यकृत्या, भक्त्योल्लसत् पुलक पक्ष्मल देह देशा, पादद्वयं तव विभो भुवि जन्म भाजः, अस्मिन् अपार भव वारिनिधौ मुनीश, मन्येन मे श्रवण गोचर तंगतोसि, अकर्णिते तु तव गोत्र पवित्र मंत्रे, किंवा विपद विषधरी सविधन समेति, अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर मगनीन रहे, जिन वाणी माता तेरी हम सब त्रुटियों को क्षमा करे, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि, परिणामों की शुद्धि हो, चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति, कर जिनवा